वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग आपको पता ही है क्या है, आप थंबनेल से समझ गए होगे। यार मैंने देखा रहा था एल्विस भाई का जो बीबी में इंटरव्यू हुआ, जो बिग बॉस के बाद उनका इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू को देखने के बाद ना मतलब मूड अपसेट हो गया मेरा, तो लिटरली हो गया। और आप सब भी बताना कि आप सबको भी ऐसा ही लगता है क्या कि ये गलत है या सही है। मतलब ठीक है, चलो जो भी है, हमें क्या पता किसी की पर्सनल लाइफ का, बट मेरे को तो सुन के बहुत बुरा लगा कि लोगों की इतनी होफ थी और इतनी वीडियोस बन रही है, इतना कुछ बन रहा है। और एक बात और बता दूं, अगर बिग बॉस में लोगों ने इंटरेस्ट लिया है ना, तो 100% में से 30 या 40% तो ये भी है कि उन दोनों की वजह से ही लोग उनको देखते हैं, लाइक हम और भाईचारा एक अलग चीज़ है, बट ये भी एक अलग ही चीज़ है। जैसे वो बिग बॉस में बोलते थे वन मैन वूमेन, तो भाई कितना भी डिनाई कर लो या कुछ भी है, लोगों को समझ आ ही जाता है, दिखता भी है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ब्लेम कर रही हूँ या कुछ है, बट मुझे लग रहा है वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ। देखो जब मैं बोलती हूँ, मैं तो बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं, जो मुझे लगता है मैं वो बोल देती हूँ। तो मुझे रात ऐसा लगा कि ये चीज़ गलत थी, जैसे उन्होंने बोला, बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि वो नहीं है जिसको तुम सब समझ रहे हो, जिसके साथ वीडियोज एडिट वगैरह होती है, वो तो नहीं है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल सिंपल और इस मीडिया वगैरह से सबसे दूर है, मतलब सोशल मीडिया से, और बहुत प्राइवेट लाइफ है अपना नॉर्मल तरीके से। तो वो तो बिल्कुल वहीं पे ही ख़त्म हो गया, सब पता चल गया। कीर्ति मेहरा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो फैन फॉलोइंग भी बहुत है, काम भी कर रही है, और उसके बारे में बोला है कि वो ऐसा नहीं है, है पंजाब से, प्रॉपर पंजाब में ही रहती है। तो कीर्ति मेहरा पंजाब में भी नहीं रहती है, तो फुल्ली डिनाई कर दिया कि वो नहीं है। यार ऐसे तो मेरा तो दिल सा टूट गया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बताओ। और मैं बता दूं कि अगर ये बात लाइक बिग बॉस जीतने के बाद ये बात पता चली है, मेरी जो थिंकिंग है, अगर ये बिग बॉस से पहले पता चल जाती, आप डिनाई कर देते, एल्विस भाई को ये मैसेज है, अगर आप डिनाई कर देते कि कीर्ति मेहरा इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, लिटरली चांस ही नहीं थे। ज़रूरी नहीं है भाईचारा या फिर आप अच्छे हो, भाईचारा है आपका और हिंदुत्व की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, तो बहुत अच्छा है, लोग सपोर्ट करते हैं, बट सोशल मीडिया पे जो क्रेज है आपको लेके, लाइक हम जैसों का, बच्चों का, ये हिंदुत्व का इफेक्ट है, बहुत है, मान लिया, बट जो 100% जो क्रेज है, 100% जो इम्पैक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ कीर्ति मेहरा के साथ जो वीडियोज़ आपकी हैं उन सब का है। मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, सारा दिन रील्स स्क्रॉलिंग करती हूँ, मुझे पता है, मैं भी देखती हूँ, हम समझते हैं, तो ये सारा इफेक्ट उसी की तरफ से है। और उस चीज़ को ही आपने ऐसे डिनाई कर दिया। लोगों के अंदर होप है कि आप कुछ टाइम बाद हमें सरप्राइज़ दोगे, बोलोगे कि कीर्ति इज़ माई गर्लफ्रेंड, कीर्ति इज़ माई एवरीथिंग। सो और आपने एकदम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, सबको पता है वहाँ पे कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता, वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। जो जिस इंटरव्यू में आपने क्लियर किया है वो 100% रियलिटी ही आपने क्लियरिटी दी है, अदरवाइज़ ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो नहीं हम मजाक कीडिंग कर सकते, ये तो हम भी समझ गए। बट ये आपने गलत किया, क्योंकि गलत किया, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आपने गलत किया। और अगर ऐसा कुछ है तो आने वाले टाइम में बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है फॉर हेटिंग, बिकॉज कीर्ति मेहरा की वजह से ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, व्लॉग भी देखते हैं ना, यहाँ तक कि वो इसीलिए देखते हैं कि कुछ बोलेंगे, समझ रहे हो ना। और अगर मेरी ये बातें गलत है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस, आप सबको भी ये चीज़ें समझ में आ ही रही होगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और आप बताइए कि ये चीज़ क्या ही बोलूँ, आप बताना ये चीज़ गलत है या सही है। और ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा कि बिग बॉस जीते, बट बिग बॉस जीतने की जितनी खुशी हुई थी ना कल वाला इंटरव्यू देख के, उतना ही गम हो गया, एकदम मतलब फ्लॉपी हो गया मैटर, ऐसा लगा कि ये तो बहुत गलत बोल दिया, एकदम डिनाई कर दिया। यार जिस चीज़ की वजह से लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ को सब सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी होप में बैठी है पब्लिक, जो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, रील्स एडिट कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने साल पुराने व्लॉग आपके उठा के वहाँ से क्लिप लेके आते हैं, और उस चीज़ को आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा। बाकी ठीक है, और गाइज आपको अगर सही लगा हो तो आप बताना, अगर गलत लगा हो तो भी बताना, बाकी
बस थैंक यू सो मच।